टूडे विल टाक अबाउट द सेक्स लिंकेज वॉट इज सेक्स लिंकेज सेक्स लिंकेज सिंपली मीन्स कि कुछ जीनस जो है विच आर देज आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम क्रोमोजोम्स और कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स पर और जो जीन्स सेक्स क्रोमोजोम पर होते हैं दे आर कॉल्ड एज सेक्स लिंकड जीन्स सो सेक्स लिंकेज मीन्स दैट के जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स वी नो दैट क्रोमोजोम दो टाइप्स के हो सकते हैं एक तो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं दूसरा टाइप जो है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जो जीनस सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं और दिस इज कॉल्ड ए सेक्स लिंकेज और जो जीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर होते हैं ऑटोसोम्स पर होते हैं और दे कॉन शूट ऑटोसोमल जीन्स सो वी हैव गॉट क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम वी नो दो किस्म के हो सकते हैं वन इज ऑटो सेक्स क्रोमोजोम एंड ऑटोसोम्स और जीन्स जो है विच आर प्रेजेंट जो ऑटोसोम्स या ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑटोसोमल जीन्स बोलते हैं और ऑटोसोम्स को ऑल्सो कॉल सोमेटिक क्रोमोसोम्स, इनको हम दूसरा नाम सोमेटिक भी बोलते हैं और अनदर वन इज सेक्स क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं एंड दिस दिस कॉन्स्टिट्यूट इज द सेक्स लिंकेज वी नो दैट कि वी हैव गॉट सेक्स क्रोमोजोम इनकेस ऑफ फीमेल फीमेल जो है उनमें दो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स एक्स और मेल्स में दो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं होमोलोगपियर है एक्स वाई so सो दिस फीमेल ये ये एक्स क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम होमोलगस पेयर है ये होमोलगस पेयर और इन केस ऑफ मेल्स दिस इज एक्स क्रोमोज़ोम वाई क्रोमोज़ोम एंड दिस इज फॉर द मेल्स क्स क्रोमोजोम so, यहां पर मेलजम में जो एक्स क्रोमोसोम जो है इट इज कंपेरेटिवली बिगर होता है वाई क्रोमोसोम से दूसरी बात यह है कि नाउट क्वेश्चन अराइज दैट कि जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं ये इन्हीं पर होते हैं एक्स क्रोमोजोमो पर हो सकते हैं वाई क्रोमोजोम पर हो सकते हैं और कॉल्ड सेक्स लिंक्ड वी नो दैट कि ये जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं इन पर सेक्स डिटरमाइनिंग जीनस भी होते हैं विच डिटरमाइन कि एक इंडिविजुअल जो है वेदर वो मेल है कि फीमेल दैट मीनस सेक्स डिटरमाइनिंग जीनस के साथ ही इन जो सेक्स लिंक्ड जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं इन पर अब एक तो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं लेकिन इसके अलावा सेक्स लिंक्ड जीन्स के अलावा इन पर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स भी होते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स और ये सेक्स लिंक्ड जीन्स और सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स जो है ये इनहेरिट होते हैं टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग जीनस और सेक्स लिंकड जीनस ये टुगेदर इनहेरिट होते हैं इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स और ये सेक्स डिटरमाइनिंग जीनस जो है सेक्स डिटरमाइनिंग जीनस ये दे कंट्रोल दे कंट्रोल या दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिवीजअल डैट मीनज कि एक इंडिविजुअल जो है वेदर दैट इज मेल दिस इंडिकेट मेल या फीमेल सो so, वो काम कौन करते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग जीन दैट मीनस सेक्स क्रोमोजोम पर दो टाइप्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक तो है सेक्स लिंक्ड जीन्स सेक्स लिंक्ड जीन्स और सेक्स डिटरमाइनिंग जीनस और सेक्स डिटरमाइनिंग जीनस जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है क्या ये मेल है कि फीमेल है वो इसका जेंडर डिटरमाइन करते हैं अब सेक्स लिंकेज जो है क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम दो टाइप्स के हो सकते हैं या तो वाई क्रोमोजोम हो सकता है या एक्स क्रोमोजोम सेक्स लिंकेज दो टाइप्स के एक तो है सेक एक्स लिंकेज और दूसरा है वाई लिंकेज दैट मीन्स अगर सेक्स लिंकड जीन्स एक्स क्रोमोजोम पर होंगे दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एक्स लिंकेज दैट इसका मतलब है कि यहां पर सेक्स लिंकड जीनस जो है जीनस वो एक्स क्रोमोज़ोम पर प्रेजेंट है प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम और वाई लिंकेज जो है यहां पर जो सेक्स लिंकड जीनस जो है वो वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं लिंकेज में जो सेक्स लिंकड जीनस वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं सो वी कैन से दैट वाई लिंकेज वॉट इज मैन बाई वाई लिंकेज वाई लिंकेज मीन्स दैट कि जो जीन सेक्स लिंकड जीन्स वाई क्रोमोजोम पर होंगे तो दे कॉन्स्ट्यूट वाई लिंकेज और जो सेक्स लिंकड जीन्स एक्स लिंकेज पर प्रेजेंट होंगे दैट कॉन्स्ट्यूट इज द एक्स लिंकेज अब जो क्रोमोसोम्स पर दो जीन्स होते हैं जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम अब मसला ये है कि जो क्रोमोसोम जो है उस पर मैक्सिमम जीन्स होते हैं वेल एज जो वाई क्रोमोसोम उस पर बहुत कम जीन्स होते हैं वेरी फ्यू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम क्योंकि इसका साइज जो है स्मॉल होता है ये वाई क्रोमोजोम जो है स्मॉल होता है और इसमें फ्यू जीन प्रेजेंट होते हैं इट हैज फ्यू जीन्स और जो जीन जो है विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम उनको हम होलनड्रिक जीन्स बोलते हैं होलनड्रिक जीनस और ये ए, वाई लिंकड जीन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो हम मेल्स में पाते हैं न कि फीमेल्स में इसीलिए जो वाई लिंकेज जो है वाई लिंक्ड जीन जो है दे ये पास ऑन होते हैं ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन सो दैट मीन्स वाई लिंक्ड जीन जो है ये पास ऑन होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन क्योंकि वाइक्रोमोजोम जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम फादर टू सन दिस वाइक्रोमोजोम इज नॉट फाउंड इन इज नॉट ट्रांसमिटेड टू फीमेल अब कुछ एग्जांपल्स है सेक्स लिंकड ट्रेट्स की एंड व्हाट आर सेक्स लिंकड ट्रेट्स वो ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स इनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रीट्स दैट मीन्स अब वी नो दैट कि सेक्स क्रोमोसोम जो है उस पर जीन्स प्रेजेंट है उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं ओब्वियसली सेक्स लिंक्ड जीन्स जो है वो कुछ कैरेक्टर्स को कुछ कुछ ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगे इन्फ्लुएंस करेंगे तो उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स अब सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स जो है यहां पर हम एग्जाम्पल्स देंगे फर्स्ट व्हाट इज सेक्स लिंकड ट्रेड्स ये ऐसे ट्रेड्स है ऐसे ट्रेड्स है जिनको कंट्रोल करते हैं सेक्स लिंकड जीन्स ट्रेड्स कंट्रोलर बाय सेक्स लिंकड जीन्स सेक्स लिंकड जीन्स अब इसकी एग्जाम्पल जो है सेक्स लिंकड ट्रेड्स की एग्जाम्पल जो है पहले हम एक्स लिंकेज की एग्जाम्पल देंगे एक्स लिंकड ट्रेड्स की एग्जाम्पल देंगे फर्स्ट विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंकड इसमें एग्जाम्पल जो है कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंकड ट्रेट्स क्योंकि सेक्स लिंक्ड जीनस या तो एक्स क्रोमोजोम पर हो सकते हैं या वाई क्रोमोजोम पर हो सकते हैं दैट इज वाई कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स है एक्स लिंक्ड ट्रेट्स उनको एक्स लिंक्ड जीनस कंट्रोल करते हैं तो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स की एग्जाम्पल हम कलर ब्लाइंडनेस भी दे सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड ट्रेट की दैट इज हिमोफीलिया हीमोफीलिया इसकी एग्जाम्पल और एक्सलिंकड ट्रेड की एग्जाम्पल है मेल पैटर्न बाल्डनेस जो मेल्स में गंजापन होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस जो हेयर लॉस्ट होता है एट द टॉप वो भी एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है क्योंकि मेल्स में एक्स क्रोमोज़ोम भी पाया जाता है और वाई क्रोमोजोम भी पाया जाता है अब एग्जाम्पल है वाई लिंकड की वाई लिंकड ट्रेट की एग्जाम्पल हम देंगे दैट इज हेरी एयर्स हेरी एयर्स कुछ मेल्स है होते हैं इनमें जो एयर होता है कान होते हैं उनके ऊपर बाल होते हैं हेरी एयर्स वो एग्जाम्पल है वाई लिंकड ट्रेड की सो सिंपली वट इज सेक्स लिंकेज सेक्स लिंकेज जो है फर्स्ट सेक्स लिंकड जीनस ऐसे जीनस विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेक्स लिंकड जीनस बोलते हैं अब ये सेक्स लिंकड जीनस वाई क्रोमोजोम पर भी हो सकते हैं एक्स क्रोमोजोम पर अगर एक्स क्रोमोजोम पर होंगे तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एक्स लिंकेज अगर वाई क्रोमोजोम पर होंगे तो वाई लिंकेज अब सेक्स क्रोमोजोम पर सेक्स लिंक जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स सेक्स लिंक सेक्स डिटरमाइनिंग जीन का काम ये होता है कि वो <coughs> वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल क्या एक इंडिविजुअल मेल है कि फीमेल है uh, जो वाई क्रोमोजोम है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर uh, होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम इसीलिए उस पर फ्यू जीन्स पाए जाते हैं और जो जीन्स uh, पाए जाते हैं ऑन द दाइक्रोजो क्रोमोजोम उनको हम होलेंट्रिक जीन्स बोलते हैं अब इसकी सेक्स लिंक्ड एग्जाम सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स की एग्जाम्पल है हीमोफीलिया है कलर ब्लाइंडनेस है मेल पैटर्न बाल्डनेस है और वाई लिंकेज की एग्जाम्पल है हेरी एयर्स इन मेल्स तो ये दिज आर दिस इज वट इज कॉल्ड एज Sex linkage. Thanks.